बीजेपी को सत्ता पक्ष पर राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर हॉर्स ट्रेडिंग करने की आशंका सता रही है। फिर भी बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि दीपक प्रकाश की जीत पक्की है। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 19 जून को मतदान होना है। सत्ता पक्ष के घटक दलों की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि उनके दूसरे प्रत्याशी यानी शहजादा अनवर भी जीत जाएंगे। बीजेपी खेमे में इसको लेकर थोड़ी सावधानी देखी जा रही है। वर्तमान में जो शासक दल और उसके गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने एक तीसरा प्रत्याशी उतार करके स्पष्ट है कि हॉर्स ट्रेडिंग के तरफ इस राज्यसभा चुनाव को मोड़ दिया है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विजय में कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास आवश्यकता से अधिक संख्या है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितना लोगों को आकलन है उससे अधिक मत प्राप्त करके राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी नेताओं को विश्वास है कि उनके प्रत्याशी यानी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश आसानी से जीत जाएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी यूं ही खड़े हो गए हैं। एक अल्पसंख्यक को बलि का बकरा बनाया गया है। अब तो जान ही रहे हैं कि लोग केवल अल्पसंख्यक को लाके उनका वोट बटोरने के चक्कर में बेचारा को बलि का बकरा बिरयानी खाएगा लोग ऐसे ही। बिल्कुल देश में कहाँ दो मत है, हमारा आंकड़ा है, हमारा विधायक है, हम लोग सब पूरा का पूरा है। बीजेपी के नेता अपने सहयोगी दल आजसू और कुछ निर्दलीय विधायकों के संपर्क में है। आजसू नामांकन के वक्त प्रस्तावक भी बना था। बीजेपी को जीत के लिए कम से कम 27 वोट चाहिए। कैमरामैन हेमंत के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची।